डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। इक्वेन्स हम बात करेंगे जी की पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो ग्राफ आता है उसकी स्लोप किस तरह से फाइनआउउट की जा सकती है उसका जनरल फॉर्मूला ठीक है विच इज कॉल्ड डिरेवेटिव अब हम देखते हैं इक्वेशन इक्वेशन क्या है है लेट्स से हमारे पास एक एक इज इक्वल टू ये बन जाएगा ए एक्स अब ये क्या है ये आप जानते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं अभी हम इसको चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो पैराबोला नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हमने हाँ बेसिकली पैरामीट्रिक बात this is X and this is y. अब इसका ग्राफ जो है, वो कुछ से होता है से, अगर एक्स तो तो जीरो प्लस माइनस फोर तो इसका मतलब अगर एक्स टू है तो वाई प्लस फोर हो सकता है और वाई माइनस फोर हो सकता है और अगर आप इसको इस तरह तो से ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ बनेगा ठीक है विच इज ग्राफ ऑफ जिसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ पैराबोला ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास काइंड ऑफ पैराबोला ठीक है अब इसमें देखें सिर्फ हमें इस ये जो आपके पास इक्वेशन है जो कि जिसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं ठीक है थीके? अब एक्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट है जो कि डिपेंड नहीं कर रहा वाई के ऊपर डिपेंडेंट और वाई जो है वो एक डिपेंडेंट है वाई जो है वो एक डिपेंडेंट है अब हम एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर करते देखिए यहाँ पे हमें पता चलेगा यहाँ पे एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई के कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे अगर एक्स की ये वैल्यू होगी तो वाई की क्या वैल्यू होगी अब हमें ये ये, ये नहीं पता चल सकता कि इस पॉइंट पे एंगल कितना है इस पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है ठीक है चले अब इस चीज को स्टडी करने के लिए इस चीज को स्टडी करने के लिए से इस चीज को स्टडी करने के लिए हम सपोज करते हैं हम एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज टी विच इज टी एंड दिस टी इज कॉल्ड पैरामीटर इसको हम बोलते हैं पैरामीटर पैरामीटर अब इंट्रोड्यूस करने से जो आपके पास इस इक्वेशन की जो फॉर्म बनेगी वाई स्क्व टू फोर ए एक्स की जो फॉर्म बनेगी ठीक है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी x हिस्सा टू जाएगा टी अब ये जो है ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन इसके अंदर अगर आप देखें तो जो x जो इंडिपेंडेंट था ठीक है अब वो भी डिपेंडेंट हो गया दोनों x और y दोनों वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि है t जो कि है

डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे करूंगा और जब मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा तो कैसे करूंगा चले सबसे पहले हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करते हैं ठीक है लेट्स से के हम कंपैरिजन में जाते हैं ठीक है हम कंपैरिजन में जाते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है यहाँ पे हम लिखते हैं जी वाई स्क्र इज इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्र इज इक्वल टू फोर ए एक्स और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए टी एंड वाई इज इक्वल टू टू ए ये पैरा है और ये आपके पास जो है है, है है वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वेशन ठीक और ये पैरामेट्रिक है अब यहां से अगर आपने यानी स्लोप ऑफ़ दिस ग्राफ़ करना है, तो किस तरह से किया जा सकता है अब डिफ्रेंशियटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल जो सेकंड वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टी अब आप करेंगे ठीक तो कर दिफ, दिफ, इस तो है इसी तरह से इसको भी करेंगे डी वाई बाई डी टी डी बाई डी टी दी इक्वल टू डी ठीक है हम जो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अब यहाँ पे देखें तो पावर फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन और उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स ठीक है अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन हो, होते हैं कॉफिशन क्या हो जाते हैं वो पहले आ जाते हैं तो इसका मतलब फोर ए पहले आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है वन डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है वन इसी तरह से यहाँ पे देखें डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक है ये पहले आ जाएगा तो और उसके बाद डी बाई डी टी का जब टी स्क्र कर लेंगे तो आपके पास आएगा टू पावर फार्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन यानी टू टी की पावर टू माइनस वन और डी टी बाई डी टी कितना होता है वन ठीक है

और यहाँ पे अगर आप देखें तो डी वाई बाई डीवल टू डी आप देखें तो यहाँ को दोनों साइड पे डिवाइड कराएं टू वाई यहाँ पे भी डिवाइड होगा ठीक है बिकॉज हमें डी वाई बाई डी चाहिए टू वाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये टू वाई टू वाई से कैंसिल आउट ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट यानी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारे पास

तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स है तो डी एक्स बाई डी ठीक है अब अगर आप देखें तो डी टी डी टी से कैंसल आउट हो जाता है अगर आप टेक्निकली देखें तो डी टी डी टी से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा विच मीन के टू ए टी टू डी वाई बाई डी टी सॉरी डी वाई बाई डी टी किसके वैल्यू डाल दी टू ए डिड बाई डी एक्स बाई डी कितना टू ए टी के टी है ठीक है टू एटी का इक्वल है इसका मतलब है कि अगर आप अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको स्टार्ट में गिवन था आपको स्टार्ट में गिवन था क्या गिवन था अगर आप यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू है यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या था y इज इक्वल टू टू एस का मतलब अगर आप टू एटी की जगह y डाल दें टू एटी की जगह अगर हम y रिप्लेस कर दें लट से टू एटी की जगह अगर हम y रिप्लेस कर दें तो डी वाई बाय डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन आ जाएगा ठीक है और यहाँ देखें तो ये आ जाएगा डी वाई किस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन में डिराइव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो डी वाई बर डी एक्स किस तरह से आया बिकॉज यहां पे थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूसर टी तो हमने पहले y को विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो डिफरेंशिएट किया फिर x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया और उसके बाद हमने दोनों को डिवाइड किया अगर यहाँ पे कंसेप्शन चेक करें तो डी वाई बाई डी एक्स जो पैरामेट्रिक्वीन के अंदर आता है वो इस तरह से आता है कि डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय आप क्या करते हैं जो डी एक्स बाई डी टी है उसको डी टी बाई डी एक्स कर दें डी टी बाई डी एक्स करते हैं, हैं। यानी इसका मतलब है यहाँ पे देखें अगर ये डी टी बाई डी एक्स होगा

न्यूमरेटर और डिनोमीटर में करना पड़ता है उस तरह से आप जो है वो स्लोप आउट कर सकते हैं और चाहे आप स्लोप स्टैंडर्ड फॉर्म से कैलकुलेट करें या चाहे आप जो है वो पैरामेट्रिक से स्लोप पर कैलकुलेट करें स्लोप आपके पास क्या होगी सेम ही आएगी